दशरथ मांझी के द्वारा काटे गए पहाड़ का नजारा देखिए। वही है यह स्थान जहां देखिए दशरथ मांझी के द्वारा काटा गया। हाँ देखिए दोस्तों, यही है दशरथ मांझी का माउंटेन मन जिसको कहा जाता था। यही रोड, यही पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया। देखिए कितना ऊंचा है ये पहाड़, कितनी मुश्किल लगी होगी उनको यह रास्ता बनाने के लिए। दोनों तरफ देखिए पहाड़ कितनी ऊंचा है, और दशरथ मांझी ने ये पहाड़ स्वयं अकेले कितने मेहनत किए होंगे। देखिए कितने ऊंचे ये पहाड़ हैं, बहुत ऊंचा। इस पहाड़ को उन्होंने अकेले ही काट के रोड बना दिया। ये सबसे ऊंचा पहाड़ इसको काट के बनाया गया दशरथ मांझी के द्वारा। सोचिए केवल चीनी हथौड़ा लेकर इसको बनाया गया है। सोचिए कितने उनको मेहनत लगा होगा इसको बनाने के लिए, काटने के लिए। सोच के देखिए ज़रा, ये देखिए दोस्तों इतने ऊंचे पहाड़। हो सकता है उनको अपना पूरा जीवन लगा दिया इस पहाड़ को काटने के लिए। इधर से नज़ारा देख रहे हैं, इस पार से उस पार जाने के लिए ये रास्ता नहीं था, ये रोड नहीं था तो रोड बनाया गया। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, इधर इधर ही दूर में दशरथ मांझी का गांव है वो देख रहे हैं। उसी बीच में वो गांव है, उसी से जाकर उधर जाते हैं।
यह वही स्थान है जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, और चारों ओर देखिए इसकी नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। लोग आते हैं यहाँ देखने के उद्देश्य से कि इतनी बड़ी पहाड़ को किस प्रकार अकेले ही दशरथ माझी ने इसको काट कर बनाया गया। अब देखिए इस पार से उस पार आने जाने के लिए कितनी अच्छी सुविधा बन गया है। देखिए लोग आ जा रहे हैं। धन्यवाद।